स्कूल खोले जा सकते। देखिए लंबे समय से चर्चाओं का दौर जारी था, जिसके बाद बड़ा अपडेट, 10वीं और 12वीं तक के स्कूलों को खोला जा सकता है। 2 नवंबर तक स्कूल खोलने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। हालांकि पिछले कई दिनों से लगातार सीएम चर्चा कर रहे थे, खासतौर पर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी भी चर्चा का हिस्सा बने, क्योंकि वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण। हालांकि हमारा देश अनलॉक 5.0 में प्रवेश कर चुका है, जहां पर धीरे धीरे देश ट्रैक पर आता हुआ नजर आ रहा है, पटरी पर दौड़ता हुआ नजर आ रहा है। इन सब के बीच धीरे धीरे स्कूल्स खोले जा रहे हैं, मल्टीप्लेक्सेस खोले जा रहे हैं, सिनेमा हॉल्स खोले जा रहे हैं, उद्योगों को खोल दिया गया है और यातायात की तमाम सुविधाओं को भी खोला जा रहा है। इन सब के बीच राजस्थान में अभी तक स्कूल नहीं खुले, तो उसी को लेकर लगातार चर्चाओं का दौर जारी था। सीएम पिछले कई दिनों से स्कूल खोले जाने को लेकर बैठकें कर रहे थे। अब ये बड़ा अपडेट सामने आ रहा है, जहां पर 2 नवंबर से स्कूल खोले जा सकते हैं। 10वीं से 12वीं तक की कक्षाओं को लेकर ये मंथन किया गया है, जहां पर बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं जयपुर से। हालांकि तमाम कोरोना की गाइडलाइंस का पालन करना होगा, विद्यालयों को भी स्कूलों को भी पहले ही निर्देश दिए जा चुके हैं कि गाइडलाइंस का सख्ती से पालन किया जाए और उनका उल्लंघन करते हुए अगर कोई भी विद्यालय पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। हालांकि जिस दौरान ये बैठकें हो रही थी उस दौरान स्वास्थ्य अधिकारी भी मौजूद थे, क्योंकि उनसे विचार विमर्श करना बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण, उनसे राय लेना इस पूरे मुद्दे पर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। और इन तमाम चर्चाओं के दौर के बाद ही अब ये अहम जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि 2 नवंबर से स्कूल खोले जा सकते हैं। हालांकि टाइमिंग क्या कुछ होगा, कितनी संख्या में छात्र छात्राएं स्कूल पहुंचेंगे, इसको लेकर विस्तार से अभी जानकारी सामने नहीं आ पाई है। वसंत पांडे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। वसंत, ये बड़ा अपडेट सामने आ रहा है, पिछले कई दिनों से लगातार चर्चाओं का दौर जारी था और अब 1 तारीख यानी कि 2 नवंबर को फिक्स कर लिया गया, संभावना जताई जा रही है कि 2 नवंबर तक स्कूल खोले जा सकते हैं, क्या कुछ अधिक जानकारी? बिल्कुल, लगातार कह सकते हैं कि बीते 3 दिन से मुख्यमंत्री जो है शिक्षा मंत्री और अधिकारियों के साथ चर्चा करने में लगे हैं। हालांकि प्रदेश में 10वीं और 12वीं की जो कक्षाएं थी वो 2 नवंबर से खोले जा सकते हैं, इसको लेकर अंतिम फैसला मुख्यमंत्री की ओर से लिया जाएगा। हालांकि जो शिक्षा विभाग है उन्होंने को 10वीं और 12वीं के लिए स्कूल 2 नवंबर को खोलने के लिए जो है प्रस्ताव भी भेजा है। हालांकि इसका फैसला अंतिम फैसला मुख्यमंत्री की ओर से लिया जाएगा, क्योंकि प्रदेश में जिस तरह के हालात हैं, प्रतिदिन कोरोना पॉजिटिव के आंकड़े में बढ़ोतरी हो रही है।